आएगी हमारे विवाह में। हमारा आना उचित नहीं है। जब जब हमारी अधिक बात हो तब 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 संबंध बिगड़े, राजाओं के बीच राज्यों के बीच, जानते हैं ना। प्रताप, प्रणाम छोटी माँ। क्या है वो? वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप बैठिए ना। आप भी बैठिए हमारे पास। कैसे आप छोटी माँ? बात मत सोचिए, हम इसे बुझने का प्रयास करते हैं। जानते हैं कि हम सही हैं या नहीं। संभवतः ये अजबदे का आपको दिया हुआ कोई भार या भेंट है ना? आप मेवाड़ का भविष्य हैं। हमें तो लगता है कि आप समूचे भारत का भविष्य हैं। यदि आप बीती बातों में इस प्रकार उलझे रहेंगे तो आपकी प्रगति बाधित हो जाएगी। आप जैसा भी यदि ऐसी स्मृतियों में उलझा रहेगा तो क्या उसके राजधर्म में बाधा नहीं है? ठीक है रिया। कौन प्रताप? फूल कंवर अच्छी लड़की है, प्रेम करती है ना आपसे। आपका जीवन साथी बनने के सारे गुण रखती है ना। अब सब कुछ जान के समझ के यदि आप अजब की किस्मतियों में उलझे रहेंगे तो फूल कंवर के साथ अन्याय नहीं होगा। जहां तक हम आपको जानते हैं, आप किसी के भी साथ अन्याय करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। हम आपकी ये बात सदा याद रखेंगे छोटे। खम्मा गणी रानी सा गणी खम्मा, आप अपने मित्र के साथ बैठिए, हम आपके विवाह की तैयारियां करते हैं। बाबूजीराज, फिर कभी चक्रपाणी। इस समय हम अजबदे को लेकर आपसे कोई विवाद नहीं करना चाहते। अच्छा, मत कीजिए विवाद। पर अजबदे ने आपको जो उपहार दिया है उसे कम से कम एक बार खोलकर तो देख लीजिए। अजबदे के उपहार को नहीं देखने से आपकी भावना तो चली नहीं जाएगी ना। ठीक है, देखते हैं। ये सब ले जाइए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सारी टोकरियां शगुन के सामान से भर। जयवंत भाई जी, अच्छा हुआ राणा जी आप समय पर आ गए। शगुन के सामान के लिए टोकरियां कम तो नहीं होगी? जयवंत भाई जी, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। बात हमसे किस विषय पर होना चाहिए? कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह के लिए अचानक आपकी सहमति के विषय पर। बिजोलिया में जब हमें धीर भाई जी का संदेश मिला तभी हमें लगा था कि कुछ गलत है। इतनी शीघ्र कैसे बदल गया आपका मन, आपका दृष्टिकोण? अच्छी लड़की है फूल कंवर, किंतु आपको तो अजबदे अच्छी लगती थी ना जयवंत भाई जी। तो फिर क्या हुआ? अजब
प्रताप और मेवाड़ के हित में ये बात है तो फिर हमारे अच्छे लगने ना लगने से क्या अंतर पड़ता है राणा जी? अकबर की चुनौती अभी भी यूं की यूं खड़ी है हमारे सामने। ऐसे में मेवाड़ के भावी राजा को जितना शक्तिशाली बनाया जा सके बनाना कर्तव्य बन जाता है हमारा। और इसके ऊपर आप भी सदा यही चाहते हैं ना राणा जी? गलत कह रहे हो? नहीं जयंत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो पहले से ही ये लगता था। आपके कहने का अर्थ ये है कि जो हमको सही लगता था अब आपको भी वो सही लगने लगा है। जब मारवाड़ से रिश्ता आ चुका है हम भी शगुन भेज रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी इस संबंध से सहमत हैं। हम सभी की बात नहीं कर रहे जयंता भाई, हम चाहते हैं कि आप वो कहें जो आप सोचती हैं। ठीक है जयंता भाई, चलते हैं। रावत जी से कहकर राजकीय स्वर्णकार को बुलवा लें, फूल कवर के लिए आभूषण देख लें। ठीक है जयंता भाई जी, हम उन तक संदेशा पहुंचा देंगे। भाई जी, आप भी अपनी रुचि अनुसार चुन सकती हैं। कुंवर प्रताप की भी मेरी आपकी भी तो बहू होंगी, सच? ये कैसा है जीजू? क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसका चुनाव आप सब ही करें। आप सबको जो अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा। एक बात कहें रावत जी, जितना उत्साह जयंता भाई जी यहां दिखा रही है ना, उससे कहीं अधिक उत्साह और उल्लास वो हर मास एकादशी की पूजा में दिखाती है। रावत जी आप आगे चलिए, हम आपसे मंत्रणा कक्ष में मिलेंगे। जी राणा जी। जीजा, ये रंग फूल कवर के लिए कुछ फीका फीका नहीं लग रहा? हल्का है ये रंग। और आपको क्या लगता है वीर भाई जी, ये राजघराने की रानियों को हरदम चमकते धमकते कपड़े पहनने की आवश्यकता है? ऐसा लगता है कि आप अभी तक राजसी रुचियों से अभ्यस्त नहीं हो पाए। भला सामंत घर में जन्म लेना आपकी भूल तो है नहीं, हमारे साथ राजसी रुचियों की पसंद नापसंद के बारे में आप समझ जाएंगे। हो सकता है जीजा आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि वस्त्रों का रूप उन्हें पहनने वाले के आचार व्यवहार और स्वभाव से खिलता है, ना कि उनके कुल से। हमें लगता है फूल कंवर जैसी हंसमुख लड़की के लिए ये रंग फीका है। वैसे हमें लगता है कि ये सारा असमंजस इसलिए हो रहा है क्योंकि जिनकी होने वाली बीनड़ी के लिए ये सारे वस्त्र और आभूषण खरीदे जा रहे हैं वो स्वयं ही यहां पर नहीं। आए कुंवर प्रताप, Thank you.
100 वर्ष का पंचांग है। जी हाँ, इसकी सहायता से आप अपने समुचित जीवन की योजना बना सकते हैं। वर्ष, माह, तिथि, राशि, नक्षत्र, लग्न, सब कुछ मिल सकता है आपको इसमें बाजूरा। इसके अतिरिक्त आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस कार्य के लिए कौन से दिन शुभ रहेगा। युद्ध के लिए, विवाह के लिए, बच्चों के लिए, आखिर के लिए, पूजा के लिए, एक प्रकार से ये आपके जीवन पर शुभ अशुभ का बांध करवाएगा। बाजूरज, अजबदे ने इसमें एक भी सूक्ष्म गन्ने को छूटने नहीं दिया। बड़े सौभाग्यशाली आप जो अजबदे आपके लिए इतना कुछ सोचती है। हमें लगता है कि आप समूचे भारत का भविष्य है, मेवाड़ का भविष्य है। यदि आप बीती बातों में उलझे रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि आपकी प्रगति बाधित हो जाएगी? आप जैसा भी यदि ऐसी स्मृतियों में उलझा रहेगा तो क्या उसके राजधर्म में बाधा नहीं आएगी? हमें नहीं लगता कि ये एकदम सही होगा। जितना आप कह रहे हैं उतनी त्रुटिहीन गणना भला कौन कर सकता है? और यू भी 100 वर्षों के लिए कैसे बनाई जा सकती है योजना? बाजीराज, मेवा के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों को बुलाकर बारक्ष ऋषि और वरामीर संहिताओं की सहायता से अजब दिन सभी ग्रह की गणना करवाई है। एक राखी में 16 अंश तक की गणना मिलेगी आपको इसमें बाजीराज। 100 वर्ष तक के सभी 9 ग्रह और 27 नक्षत्र की गति दी गई है इसमें बाजीराज। अच्छा, तो आपने ये पंचांग बनाया तो इसे लेकर आप अजब दे के संग इतने दस चल रहे थे? अरे नहीं नहीं बाजीरस, भला हम अकेले कैसे बना सकते थे ये? वो तो अजब दे ने सभी गुणी पंडितों को बुला जिनकी सहायता से हम ये बना पाए बाजीरस। और इस 100 वर्षों का पंचांग आपको भेंट में देने का विचार अजब दे का ही था बाजीरस। कैसे सोच लेती है वे सब? और फिर जो सोचे उसे योग्य विद्वानों से समय पे पूरा करवाना। इसमें बस इच्छा होनी चाहिए। आप भी उनके लिए दिन रात जागे थे। चक्रपाणी, पहले भी हम आपको कई बार संकेत दे चुके हैं, अब आज स्पष्ट कह रहे हैं, जिस बात को पूर्ण विराम लग चुका है वही बात हमारे सामने आप बार बार क्यों उठाते हैं? हर पूर्ण विराम के बाद एक नया वाक्य लिखा जा सकता है बाजीराज। अभी भी देर नहीं हुई है, जाके बता दीजिए अपने परिवार को अपनी मन की बात। अजब दिया आपका मेल नियति की रचना है बाजीराज। आप दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने तो फिर क्यों सच से आग चुराई जाए? नहीं चक्रपाणी, अब हम वही करेंगे जो हमारा राजधर्म हमसे करने के लिए कहेगा। और हमारा राजधर्म मैं फूल कंवर से विवाह के लिए संकेत दे रहा हूं, हम वही करेंगे। वाह, शताब्दी पंचांग, तनिक दिखाइए हमें। ये तो बहुत दुर्लभ है। वाह चक्रपाणी, आपने सचमुच बहुत अद्भुत कार्य किया। उत्तम, अति उत्तम। हुकुम, इसका वास्तविक श्रेय जाता है अजब देखो। ये उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं की योजना थी। उन्होंने इसके निर्माण की पूरी व्यवस्था की थी। उन्होंने हमें सभी संबंधित ग्रंथ और पंडितों को सहयोग दिलवाया और दिन रात हमारे सामने बैठकर इस कार्य को पूरा करवाया। गौर प्रताप, चाहिए और अपनी विवाह की तैयारियों में अपनी रानी माँ की सहायता कीजिए। जी रानी माँ।
मुगल सल्तनत से बगावत का क्या हश्र हो सकता है? मारो इन बागियों को, बता दो अपनी शमशीर की दाद से इन लोगों को। या इंदा शहंशाह हिंद के सामने वो इस सरकार, क्योंकि हमारे सामने उठने वाले हर सर को हम सर से अलग कर देते हैं। उम्र ये सभी सभी ये सभी सर सर हमारे सामने झुके रहे, समझा दो इन्हें। कोई हम मर जाएंगे पर अपना सर आपके सामने नहीं झुकाएंगे। हाँ नहीं झुकाएंगे, चुपचाप जैसा कह रहे हैं कर, झुका अपनी गर्दन। नहीं, अपनी पकड़ी हमारे कदमों में। नहीं, झुकाओ अपनी गर्दन। कभी नहीं, झुक जाओ हमारे सामने। मर जाऊंगा पर गर्दन नहीं झुकाऊंगा। बदसार जुबान लड़ाता है हमसे, नजरें मिलाता है शहंशाह हिंद से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। तुम हमें राजपुताने पर कब्जा करने से नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई ताकत हमें राजपुताने पर कब्जा करने से नहीं रोक सकती। शहंशाह ये क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह रुक जाइए। एक दिन हम इसी तरह प्रताप के लहू से नहाएंगे।